व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर स्टाइल बटर चिकन रेसिपी आज फाइनली बना रहा हूँ मैं YFL पर। बटर चिकन मेरी फेवरेट रेसिपी है और मुझे बटर चिकन के कई सारे वेरिएशंस आते हैं बनाने के लिए, मैंने ट्राई भी किए हुए हैं कई अलग अलग जगहों पर ये जो रेसिपी है सबसे फेवरेट रेसिपी है मेरी। मेरे फ्रेंड्स फैमिली किसी को भी बटर चिकन खाना होता है तो मैं ये वाली रेसिपी स्पेशली बनाता हूँ एंड इट इज़ सुपर ईजी टू डू और बहुत ही माइंड ब्लोइंग और डिलिशियस बनती है। सो ड्यूरिंग दिस रेसिपी आई एम गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, सो लेट्स कुक अप सम संजोत कीर स्टाइल डिलिशियस बटर चिकन। बटर चिकन के लिए तंदूरी चिकन या टिक्का, उसकी मैरिनेशन सुपर क्विकली रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, आप थाइज यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को चिकन विद बोन पसंद आता है, सो इफ़ यू आर यूजिंग दैट, चिकन में अच्छे से इंसिजन्स बनाइए। मैरिनेशन सेम रहेगा, नो चेंज इन दैट। आई एम गोइंग टू मैरिनेट दिस फॉर हाफ एन आवर टू एन आवर। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, ओवरनाइट 8 to 10 hours, तो वो करो ज़रूर मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए, चिकन और ज़्यादा जूसी टेंडर और फ्लेवरफुल बनेगा। मैंने इसी स्टेज पर, मैरिनेशन के स्टेज पर ही स्मोक कर दिया चिकन को। उसका रीज़न ये है कि मुझे बटर चिकन में वो तंदूरी चिकन वाला फील चाहिए होता है, तो मैं पहले ही स्मोक कर देता हूँ। उससे सटल फ्लेवर आता है स्मोक का बटर चिकन में और वो ओवर पावर नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन है कि आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप ग्रिल करके चिकन को स्मोक कीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर आएगा। और आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है कि बटर चिकन जब पूरा रेडी हो जाए तभी उसको स्मोक करिए, तो ज़्यादा स्मोक का फ्लेवर आता है। द चॉइस इज़ योर्स, आई गो विद द फर्स्ट वर्जन एंड ट्राई डूइंग दैट, इट टर्न्स आउट टू बी सुपर डिलिशियस। तो जब तक चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा है, मैं फटाफट मखनी सॉस का प्रेपरेशन कर लेता हूँ। मखनी सॉस का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको ठंडा करके पीसना है। मुझे जब भी जल्दी होती है मैं 3-4 cube आइस के डाल के पीस लेता हूँ, पर आप कोशिश करिए अवॉइड करने के लिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका मिक्सर बचा रहेगा अगर ठंडा करके पीसोगे तो, और दूसरा जब भी कोई गर्म चीज़ को पीसो तो उसका कलर थोड़ा सा उड़ जाता है, तो अगर आप ठंडा करके पीसोगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा मखनी सॉस का। मेरे मखनी सॉस के वर्जन में मैं खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ हरी इलायची और जीरा डालता हूँ। उसका रीज़न ये है कि लास्ट में मैं इसमें फ्रेश गरम मसाले की एक चुटकी डालता हूँ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और दूसरा ये होता है कि मैं इसमें होल कश्मीरी रेड चिलीज़ डालता हूँ, उससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़ करता हूँ मखनी ग्रेवी में, तो कलर बहुत अच्छा आता है और उतनी स्पाइसीनेस भी नहीं बढ़ता मखनी सॉस का। तो ज़रूर यूज़ कीजिए होल कश्मीरी रेड चिलीज़ अगर मेरा वाला वर्जन बना रहे हो तो। जब तक ये मिक्सचर अभी ठंडा हो रहा है तब तक मैं फटाफट से ग्रिल कर लेता हूँ चिकन को।
तो चिकन को तो ग्रिल करके श्रेड कर लिया है मैंने फटाफट, एंड द चिकन बाय इटसेल्फ इज टेस्टिंग सो डिलिशियस। मैंने तवे पर ही ग्रिल किया है चिकन को, लेकिन पर्सनली मैं अवन में बनाता हूँ, जब भी बटर चिकन बनाता हूँ 250 डिग्री पे 8-9 मिनट में, 7-8 मिनट में फटाफट ग्रिल हो जाता है परफेक्टली एकदम, और प्रोसेस बहुत क्विक हो जाता है। तो अगर आपके पास अवन है तो ज़रूर इस्तेमाल करो, नहीं है तो तवे पर तो बना ही सकते हो, बहुत अच्छा बनता है ऐसे भी। मखनी के जो इंग्रेडिएंट्स हमने कुक किए थे वो अभी ठंडे हो चुके हैं, तो इनको अभी फटाफट पीस लेते हैं अच्छे से, और फिर फाइनल जो स्टेज है बटर चिकन को साथ में असेंबली करने का और कुक करने का, वो बहुत ईजी प्रोसीजर है, फटाफट बटर चिकन रेडी हो जाएगा। Like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless. So no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now but you're loving on me, eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me, yeah, I want your body too, yeah, body too. From you, it's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me, yeah, I want your body, your body too, yeah, body too. People will try to be someone better than you and I, posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away, walk away, walk away? Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me, yeah, I want your body too, yeah. So this is how you make Sanjot Kheer style butter chicken. बहुत ही delicious बना है, और मेरे friends और family को ये वाला version बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी try कीजिए अपने घर पे. But today I want to thank the man who invented this recipe, Shri Kundan Lal ji, अपने मोती महल restaurant में सालों पहले. What a brilliant idea! Hats off to this person जिन्होंने इतनी mind-blowing recipe invent की, और उनके idea की वजह से आज पूरे दुनिया भर में लोग butter chicken enjoy करते हैं, और मेरी भी personal favorite है. So this is my way of paying tribute to him for inventing this beautiful recipe. Thank you so much, sir. Prepare this version at your home. Enjoy this butter chicken. Have an amazing time with it. Cheers.